अखिलेश यादव, पहले मंत्रियों पर गाजगिरी और अब अफसरों की बारी। कुछ महीने पहले हुई थी दीपक सिंघल की नियुक्ति, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भी नाराज थे। सोमवार को हटाए गए थे खनन सचिव। और इस बीच हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर विनय राय जुड़ चुके हैं। विनय जी, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? और हालांकि सीएम अखिलेश यादव की बात करें तो जब से इनकी नियुक्ति हुई थी तब से सीएम अखिलेश और दीपक सिंघल की तल्खियां निकल करके भी सामने आ रही थी हमेशा। देखिए प्रिया, एक तल्खियों की बात नहीं है, सीधे तौर पर किसी भी मुख्यमंत्री को अपनी इमेज अगर साफ करनी है और ये साबित करना है कि उसकी इमेज क्या है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उसकी सृष्टि बनाकर के इमेज को साफ नहीं रह सकता है। और आपको याद है कि जब जिस समय बनाए गए तो उस समय से लगातार हमको इस बात को इंगित किया था कि जब पावर कॉर्पोरेशन तब इनका किस भ्रष्टाचार था, आगरा में किस तरह से इनके परिवार के लोगों के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की फैक्ट्री थी, शुरू से ये कंट्रोवर्सी में रहे। भारत सरकार में जब थे सीबीआई की गिरफ्त में थे, इसकी बकायदे की जांच हुई और किसी तरीके से सेटलमेंट किया था। और दूसरी बात, जब सिंचाई विभाग में भी आए हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि सिंचाई विभाग में रहते हुए जिस तरह के भ्रष्टाचार है, खासतौर से गोमती का जो रिवर फंड बन रहा है उसकी जांच करा ली जाए, मिर्जापुर में कन्हर प्रोजेक्ट की जांच करा ली जाए, सारे जो विवादित टेंडर इन्होंने अपने लेवल से पास किया उसकी जांच करा ली जाए, तो हमें लगता है कि गायत्री प्रजापति से ज्यादा बुरी स्थिति इनकी होने वाली है जी। और ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अच्छा संकेत है, क्योंकि जो अधिकारी ईमानदार हैं, जो क्लीन इमेज के हैं, वो इनके नीचे काम करने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इनका जो बिहेवियर है वो भी कहीं न कहीं से एक तरीके से अधिकारी के बिहेवियर को सूट नहीं करता, उस तरह इनका व्यवहार रहा है। आपको याद होगा कि जब ये गृह सचिव बनाए गए तो तब भी इन्होंने कहा था ये बाहर के स्केचिंग कर रहे हैं और 12 दिन के अंदर पुलिस को बदल देंगे, तो उस तरीके से काम नहीं चलता है। पुलिसिंग हो या प्रशासन की जो क्षमता की बात हो, उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को क्लीन इमेज के अधिकारी को सामने लाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है फिर सामने कि इस सेक्रेटरी अगर दीपक सिंघल रहते तो अपनी इमेज को कभी वो